श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, राम नाम परिवार में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज श्री रामचरित्र मानस के पाठ का पंचम दिवस है और हम श्री रामचरित्र मानस पे चिंतन करेंगे। आप सबको बता दूं कि अभी जो रामचरित्र मानस का चिंतन हम लोग कर रहे हैं, ये गोस्वामी जी की लिखी हुई है और ये गोस्वामी जी के अपने ही भाव हैं। जैसा कि रामचरितमानस के लिए हमने कई बार आपसे कहा है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमा सन भाषा। किसकी रचना? शंकर जी ने की है। लेकिन आज मैं ही कह रहा हूँ कि इस समय हमारा रामचरितमानस का जो चिंतन चल रहा है, इसकी रचना शंकर जी ने नहीं की है। हाँ, इसको सत्यापित कहें या इस पे अपनी मोहर जो भी कहें कि अपने द्वारा मान्यता दी है, वो शंकर जी ने दी है, लेकिन रचना यहाँ पे गोस्वामी जी ने ही की है। शंकर जी ने जो रामचरितमानस कही है वो वहाँ से शुरू होती है जब शंकर जी माता पार्वती को उनके पूछे जाने पर श्री रामचरित्र को सुनाना शुरू करते हैं। और शायद हम लोग अगले दिन में, अर्थात आज पंचम दिवस की कथा है, जिस दिन छठे दिवस की कथा होगी उस दिन से हम लोग श्री शंकर जी द्वारा रामचरितमानस का चिंतन प्रारंभ करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग चिंतन कर रहे हैं ये श्री गोस्वामी जी के द्वारा रचित है और गोस्वामी जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। हाँ, श्री रामचरितमानस के साथ ये शंकर जी द्वारा मान्यता प्राप्त है। शंकर जी ने इस पे अपनी सहमति दी है, जो कि काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शंकर जी के द्वारा इस पे सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया था। आगे भी हम लोग रामचरितमानस को लेकर चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी 21वें दोहे में कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु, जीह देह द्वार, तुलसी भीतर बाहिरु, जो चहसी उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहता है, जैसे यदि घर में एक ही दिया हो और हमारी इच्छा हो कि हमारे घर के बाहर भी प्रकाश रहे और घर के अंदर भी रहे, तो क्या करते हैं कि उस दीपक को ले जाकर घर के द्वार पर लग लेते हैं, जिससे द्वार के बाहर भी प्रकाश रहता है और घर के अंदर भी रहता है। गोस्वामी जी उसी स्मरण को यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि हम अपने भीतर अर्थात अपनी आत्मा में और अपने बाहर अर्थात इस संसार में दोनों प्रकाश चाहते हैं, दोनों राम नाम का प्रभाव चाहते हैं, तो इस राम नाम को हमें हमारे इस शरीर का जो द्वार है, जो मुख रूपी द्वार है, जो जीवा है, उस पर इस राम नाम को विराजित कर देना है, अर्थात जीवा के द्वारा नाम का जप करना है। उससे क्या होगा कि तुलसी भीतर बाहर हो, जो चहसी उजियार, कि भीतर और बाहर दोनों प्रकाश हो जाएगा, अर्थात भीतर और बाहर दोनों ही ओर हमें नाम का प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा। जो हमारा हृदय है, जो हमारी आत्मा है, उसमें हमें राम जी के निराकार और निर्गुण स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। अर्थात उनके निराकार निर्गुण स्वरूप का ज्ञान इसलिए कहा क्योंकि निराकार और निर्गुण का कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए दर्शन वाली बात यहाँ पे नहीं कह सकते। लेकिन इस संसार में जब इस शरीर से बाहर आएंगे तो इस संसार में हमें राम जी के सगुण रूप का दर्शन प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से नाम के द्वारा निर्गुण और सगुण दोनों की प्राप्ति हो जाती है।
और गोस्वामी कहते भी हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा, कि निर्गुण और सगुण ये ब्रह्म के दो रूप हैं और ये दोनों ही कैसे हैं, अकथ अकथनीय हैं, अर्थात ये कहे नहीं जा सकते हैं। आप कहें कि आप इनको शब्दों की सीमा में बांध लें तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब इनका निरूपण करने की बात आई तो वेदों ने भी एक स्थिति तक लिखा, उसके बाद उन्होंने भी कहा नहीं और है और है और है, नीति नीति कहीं वेद पारा, वेद ने भी कहा नहीं इससे आगे भी हैं, इसलिए अकथ हैं, अथाह हैं, अगाध हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, अनादि हैं, अर्थात जिनके न प्रारंभ का पता है न जिनके अंत का, और अनुपम है अर्थात उनकी लीलाएँ अद्भुत होती हैं, उनका स्वरूप उनका सौंदर्य सब कुछ अद्भुत है, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी निर्गुण और सगुण की व्याख्या कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच बेयोगी। नाम जी है जप जागहि जोगी, नाम को जीभ से जपकर जोगी लोग जाग जाते हैं, तो क्या हम सो रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगता, अभी भी हमको क्या कभी ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं? नहीं लगता, हर चीज़ क्रियाशील है, जैसे चाहे वैसे कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे खा रहे हैं पी रहे हैं, फिर कैसे मान लें कि ये स्वप्न है? ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शंकर जी की वाणी है। शंकर जी आगे कहते भी हैं, उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं तुमसे अपना अनुभव कहता हूँ। यहाँ पे शंकर जी अपना अनुभव सुना रहे हैं। शंकर जी को जो अनुभव हो गया वो आपको कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए अब खुद को अनुभव होना होगा नहीं और शंकर जी की बात मानेंगे नहीं, तो फिर मुक्ति कैसे होगी, फिर राम जी कैसे मिलेंगे? इसलिए संतजन कहते हैं, सिद्ध लोग कहते हैं कि जो खुद को अनुभव ना हो सके वो चीज़ यदि दूसरे को अनुभव हो रही है, यदि दूसरे को अनुभव हो चुकी है, तो हमारे हित में यही है कि फिर हम उसकी बात मान लें। खुद को अनुभव हो नहीं और दूसरे की माने नहीं तो ऐसे को कल्याण नहीं होगा। हाँ, अगर खुद को अनुभव नहीं हो रहा है, दूसरे को हो रहा है, उसकी आप मान लीजिए तो कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पे शंकर जी यही बता रहे हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, कि जो भगवान का भजन है, जो राम नाम है, वो सत्य है, बाकी संसार है ये असत्य है। अब संसार असत्य है, सपने हैं, अब सपने हैं तो जाहिर सी बात है भी स्वप्न है, तो सपने तो जब इंसान सोता है तभी सपने देखता है, तो जाग रहा है तो सपने देखा गया नहीं। इस बात को गोस्वामी जी जब निषादराज जी को उपदेश कर रहे हैं तो निषादराज जी से कह रहे हैं, गोस्वामी जी, मैं कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, लक्ष्मण जी निषादराज जी से कह रहे हैं, मोह निशा सब सोवनि हारा, देखहिं स्वप्न अनेक प्रकार। हे निषादराज, हे भैया, इस मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं। ये संसार एक मोह का बंधन है और इस मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और देखहिं स्वप्न अनेक प्रकार, और भांति भांति के स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न भांति भांति के कैसे देख रहे हैं? अब कोई देख रहा है कि मैं कहीं का प्रधानमंत्री हो गया, कोई देख रहा है तो मैं सीएम हो गया, कोई देख रहा है मैं बड़ा अधिकारी हो गया, कोई देख रहा है मैं बहुत बड़ा दानी हो गया, दाता हो गया, कोई देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई देख रहा है कि मैं गरीब हो गया, कोई देख रहा है तो मैं भिखारी हो गया। सब स्वप्न में है, कोई स्वप्न में खुद को भिखारी देखता है तो कोई राजा देखता है। सपने ही हो ही भिकारी नित, रंक नाक पति होई, सपने हो ही भिकारी नित, सपने में ही जो भिकारी होता है वो राजा हो जाता है, और रंक नाक पति होई, और जो राजा है वो भिकारी हो जाता है। लेकिन जागे हानि न लाभ कछु, जिमी पटंच जिए जो, लेकिन जागने पे जब जागृति में आ जाते हैं तो ना किसी को हानि होती है ना लाभ होता है। भिकारी सो रहा है, उसने देखा मैं राजा हो गया, सपना देखा, और राजा
देख रहा है सपना कि मैं तो भिखारी हो गया, लेकिन जब दोनों जागृति में आएंगे तो ना ही राजा भिखारी हुआ है ना ही भिखारी राजा हुआ है। उसी प्रकार से इस संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं, कोई देख रहा है मैं भिखारी हूँ, कोई देख रहा है मैं गरीब हूँ, कोई देख रहा है मैं अमीर हूँ, कोई देख रहा है मैं प्रधानमंत्री, कोई देख रहा है मैं कहीं का DM हो गया, कोई देख रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। लेकिन जब जागृति में आ जाएंगे, जब जागृति में आ जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम जो देख रहे हैं वो स्वप्न है, और जो स्वप्न वाला है वो जागृति की ओर आकर्षित होता ही है। इसलिए जो इस प्रकार के जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या छोटे लोग भी हैं, वो जब भी किसी सिद्ध महात्मा को देखते हैं, जब भी स्वप्न का इंसान किसी सिद्ध को देखता है, जागृति वाले को देखता है, तो वो भी चाहता है कि मैं भी जाग जाऊँ, उस इच्छा से उसके पास जाता है। लेकिन उस इच्छा से उसके पास जाने के बाद भी वो मांगता है स्वप्न की ही चीज़। बिजनेस अच्छा चल जाए, नौकरी अच्छी लग जाए, दुकान मेरी चलने लगे और मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, जाके वो ही मांगता है। और जागृति वाला देख रहा है कि सो रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आपने बता दिया कि हम गरीब हैं तो भी सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हम गरीब हो गए, राजा हैं तो भी सपने देख रहे हैं कि हम राजा हो गए, तो इससे जागने का मार्ग क्या है, जागृति कैसे आएगी? तो जागृति के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम जी है जब जागहिं जोगी, कि जो योगी लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं कि बड़े सिद्ध हो गए हैं, जाग रहे हैं जागृति में, उन्होंने कैसे जागा है कि नाम जी है जपे, नाम को जीव से जपके उन्होंने उस जागृति को प्राप्त किया है। और ब्रह्म सुखई अनुभव ही अनुपा, जो ब्रह्म सुख है अर्थात वो जो अनंत परमेश्वर है श्री रामचंद्र जी, उनका जो सुख है, उनका जो अनुभव है, जो अपने जीवन में वो करते हैं कि हाँ राम जी का सामर्थ्य हमको प्राप्त है, राम जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त है, उस सुख का जो अनुभव करते हैं अपने अंदर, वो अनुपा है अर्थात वो अकथनीय है, वो कहा नहीं जा सकता। ब्रह्म सुख ही अनुभव अनुपा, अकथ अनाम है नाम न रूपा, वो अकथ है, कहा नहीं जा सकता, अनामय है, अनिवचनीय है। और ऐसे जो हैं वो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अच्छा जी, तो कोई कहे चलिए योगी लोग हैं, जाग गए, अब लेकिन हमें कैसे पता चले कि वे जागृति होती क्या है? आपने तो ऐसे बता दिया छोटे छोटे में कि हाँ भिखारी राजा हो गया, राजा भिखारी हो गया, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे भी जो लोग कथा सुन रहे हैं उनके मन में ये बात आ रही होगी कि समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोला, कहाँ से क्या बोला, क्या स्वप्न था और क्या जागृति थी, कौन योगी और कौन भोगी, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है, ये इतना सहज नहीं है। तो इसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपे जान ही तेऊ, किस गूढ़ गति को, इन सभी गूढ़ बातों को जो गूढ़ रहस्य की तरह आपको लगती हैं कि हाँ ये सभी गूढ़ रहस्य हैं, पता नहीं कैसी बातें हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो अगर इनको जानना चाहते हैं, जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, इन सब बातों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा कि नाम जी है जपे जान ही देव, कि नाम को जीव से जपिए और नाम स्वयं ही आपको इन सब का ज्ञान करा देगा। मैं अगर अपनी कहूँ तो मैं कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से रामचरितमानस कहूँगा, किसी को सुनाऊंगा। मैं सत्य कहता हूँ, अपने हृदय की बात, आज तक अपने जीवन में मैंने कभी रामचरितमानस को पूरा भी नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं से अधूरी ही रह जाती थी। लेकिन देखिए राम जी की कैसी लीला है, कैसी माया है, कैसा उनका आशीर्वाद है कि नाम की महिमा भी आपको सुनाई, वो भी रामचरितमानस से, जबकि रामचरितमानस पढ़ी भी नहीं कभी पूरी, और रामचरितमानस आज फिर आपको सुना रहा हूँ, लेकिन रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जब जाने ही तेऊ, हमने ये जान लिया कि हाँ नाम को जपना है। चाहे आप रामचरितमानस को 100 बार पढ़ लीजिए, 1000 बार पढ़ लीजिए, चाहे कितने भी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ सब कुछ पढ़ लीजिए,
सबका सार एक ही निकलेगा कि आपको नाम जप करना ही होगा। कई लोग मानते नहीं है, जैसे हम समझा रहे हैं तो नहीं मानते हैं, फिर जाके भटकाव हो गया, फिर कहीं सुनने चले गए, फिर किसी को पूछने चले गए, अरे नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, अरे नहीं ये कैसे होगा। तो इस प्रकार से जो भटकाव है वो जीवन में चलता रहता है, लेकिन स्थिरता कब आएगी? स्थिरता ऐसे ही आएगी, आपसे हमने कहा भाई हमने भी तो किसी की बात मानी होगी, हमने भी तो किसी की बात सुनी होगी, उसने कहा होगा कि कुछ मत करो बस नाम जप करो बाकी सब सब कुछ अपने आप आ जाएगा, हमने उनकी बात मान ली, हमने नाम जप किया, सब कुछ अपने आप समझ में आ गया, रामचरितमानस जो कभी पढ़ी भी नहीं वो समझ में आ गई, नाम महिमा मैं इतनी कथा कभी मैंने सुनी है लेकिन उस नाम महिमा को इतने विस्तार ढंग से इसने राम जी की कृपा से इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने में सफल हुआ। और पहली बार मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद रामचरितमानस मैं पूर्ण कर सकूँ आप लोगों के माध्यम से, इसलिए प्रारंभ किया है। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ मैंने आज तक कभी रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, कभी पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी तो ये जो प्रभाव है, ये जो स्थिति है, ये सब केवल नाम से ही प्राप्त हो जाती है। सबका साध भी तो यही है, सब साधन को एक रस जही जन्यो सो जान, जितने भी साधन हैं सबका एक ही फल है, एक ही रस है, जही जन्यो सो जान, जिसे जानना होगा वो जान जाएगा। क्यों कैसे? जीव तू मन मंदिर वसो राम धरे धनुमान, कि किसी प्रकार से भी हो कैसे भी संभव हो बस राम जी हृदय में विराजित हो जाने चाहिए। हमने समझ लिया था कि ये ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो हम साल भर दो साल तीन साल चार साल पांच साल रामचरितमानस ही पढ़ेंगे, तो जो सार बताया गया है वो क्यों ना कर लें। सार ये बताया गया है कि कुछ ना करो नाम जप कर लो, तो बस हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने केवल नाम जप करा, और नाम जप का प्रभाव आपके सामने है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग नाम जप करिए, इतना जो भी आपके मन में संदेह आते हैं, जो भी बातें आती हैं, ये सब स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ये सब धीरे धीरे जैसे आसमान से बादल छट जाते हैं ना, और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें सीधा प्राप्त होने लगता है, उसी प्रकार से इस प्रकार के जो संदेह रूपी बादल हैं ये धीरे धीरे अपने आप छट जाएंगे और प्रकाश साफ साफ सीधा आपके साथ आके आपको दिखाई देगा। लेकिन नाम जप करिए, नाम जप करिए, नाम जप करिए, नाम जप से सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, आप लोगों को बताया भी गया है, और गोस्वामी जी ने भी कहा है कि साधक नाम जप हिलय लाए हो ही सिद्ध अणिमा दिक पाए। ये साधक लोग हैं अर्थात लौकिक सिद्धियों को जो चाहने वाले हैं, ये भी साधक में आते हैं, जो लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले हैं ये अथार्थी भक्ति में आते हैं। अथार्थी अर्थात अर्थ की कामना से, कुछ प्राप्त हो जाए कुछ प्राप्त हो जाए, चाहे सिद्धियां हो चाहे धन हो चाहे कुछ भी और हो, तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं ये अथार्थी कहे जाते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो अथार्थी भक्त हैं, जो कुछ पाने की इच्छा से जप करते हैं, यदि ऐसे साधक लौ लगाकर अर्थात अनवरत रूप से, जहाँ भंग ना हो, अनवरत रूप से यदि नाम का जप करते हैं तो हो ही सिद्ध अणिमा दिख पाए, तो आठों सिद्धियों को पाकर वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़े, आप लोग नाम का उपयोग सिद्धियों के लिए करें। कुछ लोग अपने जीवन में दुखी भी होते हैं अपने घर परिवार की समस्या से या अपने बिजनेस की जिस प्रकार भी समस्या से, मैंने जैसे कहा भी आपसे कि देखें इसको अपने अनेक प्रकार, तो लोग दुखी हैं और दुखी है नहीं, वास्तव में दुखी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस दुख को पकड़ रखा है कि हाँ ये नहीं होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो नाम जप करने वाले हैं, इनको कहते हैं आर्त भक्त। आर्त भक्त अर्थात पुकार करने वाले, चीत्कार करने वाले कि नहीं
दुख है, हमको दुख है और हमको इससे निजात पानी है, हमें इससे दूर कर दीजिए, हमें सुख दीजिए। तो इस प्रकार के जो आर्त भक्त हैं, जो प्रभु से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जीवन से ये दुख चला जाए, हमें बिजनेस में फ़ायदा हो जाए, हमारा काम धंधा चलना, तो इस प्रकार के जो आर्त भक्त हैं इनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब पही नाम जन आरत भारी, जब संकट से घबराए हुए जो आर्त भक्त हैं, जब भगवान की समक्ष आर्त पुकार करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और नाम जप करते हैं, जब पही नाम जन आरत भारी, जब इस प्रकार के जो संकट से घबराए हुए भक्त जब आर्त पुकार करते हैं, जब नाम जप करते हैं, तो मिट ही को संकट हो ही सुखारी। तो चाहे उनके जो संकट हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो हल हो जाती हैं, मिट ही को संकट। संकट भी तो छोड़ दीजिए, कुसंकट जो बड़े से बड़ा जो भीषण संकट है वो भी सहज रूप से मिट जाता है, समाप्त हो जाता है और हो ही सुखारी, और वो सुखी हो जाते हैं। अब अथाति भक्त हो गए, जो किसी कामना की इच्छा से कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि हाँ हमको कुछ चाहिए, तो जो कामना की इच्छा से कर रहे हैं एक वो हो गए, ये आत भक्त हो गए, कोई संकट आ गया तो भगवान को पुकारने लगे, ये हो गए। तो इस प्रकार से राम भगत जग जग चारी प्रकार, जो राम जी के भक्त हैं इस जगत में, वो चार प्रकार के कहे गए हैं, सुकृति चारु अनग उदारा, और इनमें चार प्रकार के भक्त हैं, ये चारों ही पुण्यात्मा है, सुकृति अर्थात पुण्य करने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, और सुकृति चारु अनग, अनग अर्थात पाप रहित हैं, उनमें कोई पाप नहीं है, और उदारा उदार है, सहज है। और इन चार प्रकार के भक्तों में अब दो तो आपको बता दिए, दो और कौन है, देखिए पहले जो आते हैं वो आते हैं अथार्थी, अर्थात अर्थ की इच्छा से भगवान की पूजा करने वाले, नाम जप करने वाले, अर्थ अर्थात लौकिक उनकी जो इच्छाएं हैं, धन आदि की इच्छा है कि हाँ उनको धन प्राप्त हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, एक तो इस प्रकार के आते हैं अथार्थी। दूसरे पे आते हैं आर्त भक्त, जो संकट की निवृत्ति के लिए भजन करते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से करने वाले, कि हम नाम जप करेंगे, भगवान को जान लेंगे, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान किस प्रकार से लीला करते हैं, उनकी सभी लीलाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी, हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, तो इस प्रकार से जिज्ञासु भक्त आते हैं। और जो चौथे भक्त होते हैं, ये होते हैं ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात भगवान को ये जान लेते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानी भगत भगत उल चंदन, राम जी की कृपा से भक्त जान जाते हैं। अब भगवान को तत्व से जानकर उनसे स्वाभाविक प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ हमारे राम जी क्या हैं, हमारे राम जी क्या हैं, परम परमात्मा है, पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, राम जी से ही सब कुछ उत्पन्न है, देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव, एक ते का वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, शिव विरंची विष्णु भगवाना, उपजही जासु अंश ते नाना। इस प्रकार से जो राम जी हैं उनके तत्व को जानते हैं कि राम जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, और स्वरूप को जानकर राम जी से प्रेम उनको हो जाता है, राम जी की लीलाओं को जान लेते हैं, राम जी के स्वभाव को जान लेते हैं, और उनको जानने के बाद उनसे प्रेम हो जाता है, और तब उस प्रेम के कारण राम जी का भजन करते हैं। ये चारों ही प्रकार के राम जी के भक्त हैं। गोस्वामी जी इन चारों के लिए कहते हैं कि चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, चारों ही भक्त चतुर हैं, क्यों, क्योंकि चारों को ही नाम का आधार है, चारों ही नाम जप कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ की कामना से कर रहे हों, चाहे संकट की स्थिति में कर रहे हों, चाहे जानने की इच्छा से कर रहे हों, चाहे प्रेम के कारण कर रहे हों, चहूँ चतुर को नाम आधारा, चारों को ही नाम का आधार, चारों ही नाम जापक है, लेकिन ज्ञान ही प्रभु ही विशेष प्यारा, लेकिन चारों में ही जो ज्ञानी भक्त हैं, जो भगवान की कृपा से उनको जान चुका है, वो उनको विशेष प्रिय है, क्यों, क्योंकि
वो उनका प्रेमी है। वो कुछ पाने की इच्छा से भजन नहीं कर रहा, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो सिर्फ इसलिए भजन कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए नाम जप कर रहा है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो इसलिए नाम जप कर रहा है। और जो निस्वार्थ है, जो केवल प्रेम चाहता है, जो केवल प्रेम देना चाहता है, प्रेम लेना चाहता है, उससे सबको ही प्रेम करते हैं, तो फिर राम जी की तो बात ही अलग है। इसलिए यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान ही प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी भक्त है वो राम जी को विशेष प्रिय है। और चहुं चतुर कहुं नाम आधार, और चारों को नाम आधार क्यों है, चारों ने नाम का ही आश्रय क्यों लिया है। और गोस्वामी इसलिए कहते हैं यहाँ पे चतुर इसलिए कहा गया है, क्यों, क्योंकि चहुं जो कि चहुं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव कहा गया है, और कली विशेष नहीं अनुभव। और कलिकाल में, कलिकाल में विशेष रूप से और कोई उपाय नहीं है, और कोई मार्ग है ही नहीं, इसलिए चारों प्रकार के भक्त हैं उन्होंने नाम का आश्रय ले रखा है, इसलिए ही गोस्वामी जी ने इन सबको चतुर कहा है। नहीं, समझदार इंसान ही तो राम जी का नाम लेगा, बाकी तो सब इधर उधर घूमते रहते हैं, ये कर लें, ये कर लें, यज्ञ कर लें, हवन कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, ये इन सब में ही पड़े रहते हैं। तो जिनने नाम का आधार ले रखा है उनके लिए गोस्वामी कह रहे हैं कि ये चतुर हैं। और इन चतुर में ज्ञानी ही क्यों प्रिय है विशेष रूप से, क्यों, क्योंकि सकल कामना ही निजे राम भक्ति रस लीन। क्योंकि ज्ञानी वो सकल कामनाहीन हो गया है, उसकी अब कोई इच्छा नहीं है, न भोग की न मोक्ष की, वो सभी कामना से रहित है और राम भक्ति रस लीन, और राम जी की भक्ति में लीन है, राम राम कर रहा है, केवल राम जी को ही चाहता है, इसलिए वो प्रिय है। और जब नाम प्रेम के साथ लिया जाता है तो नाम सप्रेम जपत अन्यासा भगत हो ही मुद मंगल वासा। जब कोई भी भक्त जब प्रेम के साथ नाम जप करता है तो वो सहज ही भगत हो ही मुद मंगल वासा, तो सहज ही आनंद और कल्याण का घर वो स्वयं हो जाता है, अर्थात उसके जीवन के हर क्षण में उसको आनंद का अनुभव होता है, और उसके दर्शन करने से ही, उसके सानिध्य में बैठने से, उसको सुनने से, उसका संग करने से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो स्वयं आनंद और कल्याण का घर हो गया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, जो राम जी हैं, जो ब्रह्म रूप हैं, उनसे उनका नाम बड़ा है। क्यों, क्योंकि नाम निर्गुण और सगुण दोनों से ही बड़ा है, और कैसा है, बलदायक बलदान, जो बल देने वाले हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, और शंकर जी हो गए, माता पार्वती हो गई, माता दुर्गा हो गई, इंद्रदेव, या फिर अन्य जो भी देवी देवता हैं, ये सब जो बल देने वाले हैं। जैसे हम लोग कई बार कथाओं में सुनते रहते हैं कि शंकर जी ने बल दिया, ब्रह्मा जी ने बल दे दिया, विष्णु जी ने बल दिया, किसी को देवी माता ने बल दे दिया, तो ये सब जो बल देने वाले हैं, इनको बल देने की शक्ति कौन प्रदान करता है कि हाँ आप दे दीजिए। जैसे किसी राज्य में कोई बड़े अधिकारी हैं, तो उनको वो अधिकार किसने दे दिया, उनको वो अधिकार देने वाला भी तो कोई होगा ना, कि हाँ ठीक है अभी आप इतने काम के लिए आपको ऑथोराइज किया जाता है, आप इतना काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो देवी देवता हैं, ये बलिदान दे सकते हैं, तो इनको भी एक तरीके से ऑथोराइजेशन दिया जाता है, एक तरीके से इनको भी कहा जाता है कि हाँ भाई आप यहाँ तक वर दे सकते हैं। जैसे इंद्रदेव हैं, नाजी हैं, नाजी वर दे सकते हैं, लेकिन नाजी क्या कहते हैं, जब भी कहीं वर देने की बात आती है तो नाजी कहते हैं कि भाई आप वर मांग लो, जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप वर मांग लो, मतलब जहाँ तक मुझे अधिकार दिया गया है वर देने का, आप महत्व मांग लो। इंद्रदेव भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई जहाँ तक मेरी सामर्थ्य आप महत्व मांग लो। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, इन सब की भी एक अपनी भाई एक सीमा है, इनसे जब कहा जाता है कि हमको अमर बना दो, तो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये हमारी सीमा में नहीं है,
हम इतने सक्षम नहीं हैं, ना ही हमें इतना सक्षम बनाया गया है कि हम किसी को अमर बना सकें। हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते, ये हमारी सीमा में नहीं है। तो इनकी भी अपनी एक सीमा बांध दी गई है कि हाँ आपकी इतनी लिमिट है, आप इससे ज़्यादा वरदान नहीं दे सकते। इसी प्रकार अन्य जो देवी देवता हैं, माता जी हैं, दुर्गा जी हैं, इन सबकी भी अपनी सीमा है। लेकिन इन सबको जो सीमा में बांधे हुए हैं कि हाँ आपको इतनी शक्ति दे दी, आपको यहाँ तक वर देने की छूट है, आप यहाँ तक किसी को भी वरदान दे सकते हो, तो इस प्रकार से इनको जो शक्तियाँ प्रदान करने वाला है वो राम जी का नाम है, वरदायक वरदान। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है कि ठीक है भाई आप वर मांगो, आपको क्या चाहिए। अब त्रिदेव है, ये किसी को अमर नहीं बना सकते। आप लोग तो ये सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने कई धार्मिक सीरियल भी देखे होंगे या अन्य कहीं ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि जब भी इनसे किसी ने कहा है कि हमको आप अमर बना दीजिए तो उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन राम जी इस सीमा में नहीं आते। ब्रह्मा जी को आपने कई बार कहते हुए सुना होगा, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम इसको बदल थोड़ी सकते हैं, ये तो विधि का विधान है। अरे जब यदि ये मान लिया जाए कि त्रिदेव ही सबसे ऊंची शक्ति है, त्रिदेव से बड़ा कुछ नहीं है, तो ये चौथी शक्ति जो निकल के आती है बीच बीच में कि विधि का विधान है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी तुम सब कुछ लिखने वाले अगर तुम हो और विष्णु जी हैं सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तो यदि आपके हाथ में ही सब कुछ है तो ये जो विधि का विधान है ये कौन लिख रहा है, जिसके अंतर्गत आप स्वयं भी आते हैं। ये विधि का विधान आप पे भी लागू होता है, ये विधि का विधान शंकर जी पे भी लागू हुआ। जब सती जी ने अपना दाह संस्कार किया तो शंकर जी जानते थे, लेकिन शंकर जी कहते भाई विधि का विधान है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं बदल सकता। कहते हैं ना शंकर जी कि हो ही सो ही जो राम रची रखे, भाई राम जी ने रच रखा है, राम जी जाने सच्चाएं वैसे हो गए। तो ये जो विधि का विधान कहा जाता है, जिसके लिए त्रिदेव अक्सर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कर सकते, ये वास्तव में यही है कि हो ही सो ही जो राम रची रखा। ये विधि का विधान जो रचने वाले हैं ये राम जी हैं, यही सबको एक सीमा में बांधते हैं और यही वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने वाले हैं। राम चरित सत कोटि महे लिए महेश जी जाए। और इसी कारण से शंकर जी ने 100 करोड़ राम चित्त मानस पढ़ी, शंकर जी ने 100 करोड़ राम चरित मानस के राम जी के चरित्र देखे, लेकिन जब सार निकलने की बात है शंकर जी ने कहा नहीं भैया हम तो केवल तुम पुनी राम राम दिन राति सारा जपो अनंग आती, हम केवल राम राम करेंगे, यही सार है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी, लेकिन किसी ने मुझसे कह दिया कि हाँ भाई राम नाम सार है, आप नाम जप करिए, तो बस उस नाम को पकड़ के मैंने जप करना शुरू कर दिया और रामचरितमानस समझ में आ गई, राम जी के चरित्र समझ में आ गए, जितने भी गुप्त रहस्य थे राम जी के सब राम जी ने जना दिए, सब कहाँ कहाँ कैसे गुप्त हैं सब जान लिए। कैसे, केवल नाम से, नाम जी जब जागे हैं जो कि जाना चाहे गूढ़ गति जे हो, नाम जी जाए जब भी जाने थे नाम को जीव से जपो जान जाओगे, तो बस नाम जप किया सब जान गया। ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी बदल जाते हैं, एक समय आता है जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है, रात पूरी होती है, एक समय आता है जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। जैसे लोमश जी की जब जीवन का उल्लेख आता है तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का अपनी एक आयु समाप्त हो जाती है, जब ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो गई, अब दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे, तो लोमश जी अपने शरीर का एक रोया झाड़ देते हैं, एक रोया तोड़ के भाई लोमश जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, अब रोज रोज इनको मरना है, हम क्या हर बार जो है सिर मुंडाते रहेंगे। तो लोमश जी अपने शरीर का एक रोया तोड़ के झाड़ देते हैं कि भाई ब्रह्मा जी हैं मर गए हैं, ब्राह्मण हैं भद्र होना पड़ेगा, तो इतनी तो लोमश जी की आयु है। राम राम करने वाले शंकर जी के चेले और ब्रह्मा जी को रोज मरना है, अर्थात ये अविनाशी नहीं है। अविनाशी कौन है, जो राम राम करता है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। नाम प्रसाद संभु अविनाशी, नाम के प्रसाद से, नाम के प्रभाव से
जो शंकर जी हैं वो अविनाशी हो गए हैं, सांझ अमंगल मंगल राशि, और देखने में कैसे हैं, देखने में भयंकर हैं, भस्म लिपटी हुई है, गले में नरमुंड की माला है, सांप लिपटे हुए हैं हर तरीके से, और इस प्रकार का अमंगल वेश होने के बाद भी मंगल करने वाले हैं, क्योंकि राम राम करने वाले राम जी के जो भक्त होते हैं, चाहे उनका वेश कैसा भी हो, चाहे उनकी रहन सहन कैसी भी हो, चाहे वो आपको किसी राजमहल में मिल जाए, चाहे वो आपको फुटपाथ में मिल जाए, उनका संग किसी भी रूप में यदि आपसे हो जाता है तो वो आपके लिए साज अमंगल मंगल राशि, वो आपके लिए मंगलकारी ही होता है। अब आप सोचें कि भी किसी को कितना अनुभव है, कितना अनुभव नहीं है। कई लोग जो 60-70 साल के महिमा जो महात्मा हो जाते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, तो लोग कहते हैं भाई सिद्ध महात्मा है, इतनी आयु के भजन करते हुए। तो ये जो राम जी की कृपा है ये आयु पर निर्भर नहीं करती। 5 साल के प्रहलाद जी भी, 5 साल के ध्रुव जी थे, उनको भगवान का दर्शन हुआ, प्रहलाद जी बालकाल में थे, उनको राम नाम सिद्ध था, राम जी के बड़े प्रेमी भक्त थे। तो ऐसा नहीं है, ये जो भक्ति है ये पहले तो आयु पे निर्भर नहीं करती कि आपकी आयु कितनी है, आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आगे इस प्रसंग को यहीं रोकते हैं, मैं इस प्रसंग में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि फिर कथा लंबी हो जाती है। नाथ जी, नाथ जी के लिए कहा जाता है कि नाथ जी सदा ही नारायण 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 करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में नाथ जी का भी जो मंत्र है वो राम नाम है। नारद जाने वो नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाथ जी भी नाम के प्रताप को जानते हैं, इसलिए जब आज्ञा हुई थी कि जपहु जाए शंकर सत्यनामा की, जाओ शंकर जी के सत्य नाम का जप करो, तो नाथ जी ने वहाँ पे सत्य लोग नारद चले करत राम गुणगान, शंकर जी का नाम, शंकर जी की आज्ञा हुई, और मतलब भगवान की आज्ञा हुई थी कि जाके आप शंकर जी के सत्य नाम का जप करो, और नाथ जी ने जप किया राम नाम का। नाथ जी भी राम नाम के ही जापक हैं, नारद जानेऊ नाम प्रताप, और इस नाम के प्रताप से, क्यों, नाम के प्रभाव को जानते हैं, और नाम के प्रभाव को कौन जानते हैं, गणेश जी जानते हैं। गणेश जी भी नाम की महिमा को जानते हैं, महिमा जान सुजान गढ़राऊ प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव को जानते हैं, नाम की महिमा को जानते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य हैं। और नाथ जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए भगवान के परम प्रिय हैं, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। जो भगवान संसार को प्रिय हैं उनको नाथ जी प्रिय हैं, केवल नाम के प्रताप से। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, नाम के प्रभाव से ही जो भक्तराज प्रहलाद हैं बालकाल में थे, लेकिन वो भक्तों के शिरोमणि हो गए, ऐसी नाम की महिमा है। दुब सगलानी जपय हरिनाओ पाया पायो अचल अनुपम ठाऊँ, सुमी पवन सुत पावन नामो अपने बस परिरा के रामो, नाम एक तापस्ती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सक ही नाम गुण गाई। और नाम, नाम को आप जैसे चाहें वैसे जप लीजिए। भाए को भाए अनक आलसु नाम जपत मंगल ऋषि, प्रेम से जपिए, क्रोध से जपिए, आलस आए आलस से जपिए, किसी भी तरीके से जपिए। कई लोग कहते हैं कि नाम जप कैसे करना चाहिए, गा के करें, बोल कर करें, कंठ से करें, मन में करें। आप प्रारंभ तो कीजिए, कैसे भी कीजिए। आप किसी को गाली दे रहे हैं, मान लीजिए कोई आपको गाली दे रहा है, भक्त हैं, गाली मिल जाती है, अरे बड़ा आया राम जी वाला है, राम जी वाला बनता है अपने लिए, तो उस समय जो उसके मुख से नाम निकला है वो भी निष्फल नहीं जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। नाम जपत मंगल दिशि दसु, और नाम के जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। 10 दिशाएं कही गई हैं, और 10 दिशाओं से कल्याण का अर्थ है कि फिर किसी भी दिशा से किसी भी प्रकार से आपका अहित नहीं होगा। ये नाम 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करता है, किसी भी तरीके से किसी भी जगह से आप पर कोई संकट नहीं आ सकता। यहाँ पे कहने का तात्पर्य आशय ये है, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिशी दे की दया निधि पोसो। राम जी कैसे स्वामी हैं, राम सुस्वामी, राम जी उत्तम मालिक हैं, अर्थात
राम जी उत्तम कैसे? क्योंकि राम जी के समान स्वभाव, राम जी के समान प्रेम, राम जी के समान शरणागत वत्सलता ये कहीं और किसी अन्य देवी देवता में देखने में नहीं आती। इसलिए यहाँ गोस्वामी कह रहे हैं कि राम सुस्वामी हैं, राम जी बहुत उत्तम स्वामी हैं। कुसेवक मोसो, कुसेवक अर्थात मुझ सरीखा मेरे जैसा बेकार सेवक, जो कभी सेवा नहीं करता, सेवा नहीं करता फिर भी कहता है कि सेवक हूँ, कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर भी कहता है कि मैं राम जी का। और यही स्थिति अधिकतर लोगों की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों की भी यही स्थिति है, लेकिन अधिकतर लोगों की यही स्थिति है कि राम जी के लिए कुछ भी नहीं करते, कोई भजन नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई ध्यान नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं हम तो राम जी के हैं, हम राम जी के सिवा किसी को नहीं मानते। तो ऐसे जो कुसेवक हैं, जो सेवा तो नहीं करते हैं लेकिन स्वयं को सेवक कहते हैं, सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं, सब शून्य, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे नहीं हम सेवक हैं राम जी के। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो कुसेवक हैं वो मेरे जैसे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, तो निज दिशी दे की दया निधि पोसो। और इतने पर भी राम जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, झूठा ही कह रहा है, मुँह से ही कह रहा है, सेवा नहीं कर रहा लेकिन कह तो रहा है कि मैं आपका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। केवल उस बात की लाज रखने के लिए राम जी पालन पोषण करते हैं, अपना सेवक की तरह करते हैं। हम सेवा नहीं करते, हम सेवा बनती ही नहीं है कि हम सेवा कर सकें, लेकिन फिर भी राम जी का ऐसा स्वभाव है, राम जी का ऐसा प्रेम है अपने भक्तों के लिए कि राम जी निज दिशि देख की दया निधि पोसो, अपनी ओर देखते हुए अपने प्रण का याद करते हुए कि हाँ शरणागत का पालन करना मेरा धर्म है, जो शरण में आ गया है, जो कहता है कि मैं आपका हूँ, उसको स्वीकार करना मेरा धर्म है। ये राम जी अपने प्रण का पालन करते हैं, वो अपनी ओर देख के अपने प्रण का स्मरण करके, अपने स्वभाव का स्मरण करके हमारा पालन पोषण करते हैं। ऐसे जो राम जी हैं भला उनके लिए क्या कहा जाए, उनके लिए तो यदि ये जीवन भी देना पड़े तो कम है। एक शॉर्ट वीडियो मैं अभी बनाऊंगा बाद में, वो आप लोगों के पास पोस्ट करूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग कहूँ वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति, कि समस्त लोकों में और वेद में जितने भी अच्छे स्वामी कहे गए हैं, अच्छे मालिक कहे गए हैं, उनके बारे में एक रीति बड़ी फेमस है, बड़ी प्रसिद्ध है, वो क्या है कि विनय सुनत पहचानत प्रीति, कि जब भक्त उनसे कहता है कि देखिए प्रभु हमसे कुछ बनता नहीं है, हम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है कि हमसे कुछ भी हो जाए, हमसे आपकी सेवा हो जाए, हमसे आपका ध्यान हो जाए या हमसे आपका नाम जप हो जाए, हमसे कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन विनय सुनत पहचानत प्रीति। लेकिन राम जी जब इस प्रकार की विनय को सुनते हैं तो ये नहीं देखते कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, उसने मेरी कितनी सेवा की है, उसने मेरा कितना नाम जप किया है, इसका वो आकलन नहीं करते हैं। विनय सुनत पहचानत प्रीति, उसकी इस प्रकार की वाणी को सुनकर, उसकी इस प्रकार की विनय को सुनकर, उसके हृदय में जो राम जी के प्रति जो प्रेम है उसकी पहचान करते हैं कि देखो ये मेरे लिए प्रेम है नहीं है, उस प्रेम को राम जी पहचान लेते हैं। क्योंकि रीजित राम स्नेह निस्वत, राम जी जो शुद्ध प्रेम होता है, जो विशुद्ध प्रेम होता है, जो प्रेम का विशुद्ध रूप है, उससे ही लीजिए जाते हैं। उनको कुछ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आप कुछ करके दिखाएं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपके हृदय में उनके प्रति सच्चा प्रेम है तो राम जी केवल उस प्रेम को देख के ही आपको स्वीकार कर लेते हैं। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, कैसे राम जी का उपहास कैसे उड़ाया जा रहा है, जैसे किसी की हंसी बनती है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी की हंसी बनाई जा रही है, राम जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कैसे उड़ाया जा रहा है कि हो कहावत सब कहत, कि सब लोग मुझे राम जी का सेवक कहते हैं, और
जब सेवक कह रहे हैं तो मैं अपनी स्थिति देखता हूँ, यदि मेरी स्थिति सेवक की नहीं है और फिर भी लोग सेवक कह रहे हैं कि कह रहे हैं भैया राम जी का बड़ा अच्छा सेवक है, तो इस प्रकार से राम जी की निंदा हो रही है, हैं? जैसे कभी कभी लोग कह देते हैं ना बात बात में, हैं, बड़े आए राम जी के सेवक, बड़े आए राम जी के मानने वाले, या फिर कभी कभी हमारे मन का भाव इतना अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी हम दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ भैया राम जी का बड़ा अच्छा सेवक है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी की निंदा हो रही है, लेकिन फिर भी राम जी इस निंदा को सह रहे हैं, और इसको सहने के बाद भी साहेब सीता नाथ सो सेवक तुलसी दास, और फिर भी सीता राम जी इस ठिठाई को सह रहे हैं, इस निंदा को भी सह के मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। कैसा है राम जी का स्वभाव? मेरे कर्म बहुत अच्छे नहीं हैं, मेरे काम बहुत उच्च कोटि के नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं पुण्यात्मा हूँ, और जो भी है, जो भी बात, जितने भी अच्छे कर्मों के उदाहरण दिए जा सकते हैं उनमें से मुझ में कोई भी नहीं है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, ये मुझ में जितने हैं सब दोष हैं। और दोष कैसे हैं? कितना मैंने पाप कर रखा है कि सुन अग नर कहीं नाक स्कोरी, कि मेरे पापों का जब वर्णन चलने लगा तो जो नरक था, नरक में कहा जाता है कि लोग जितने भी पापी होते हैं उन सबको उनके पापों की सजा भोगने के लिए नरक भेजा जाता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब मेरे पाप की जब विस्तार से चर्चा चलने लगी कि हाँ भाई जरा देखे तो ये कितने बड़े पापी हैं, तो मेरे पापों की जब चर्चा चलने लगी तो जो नरक था, नरक ने मुझे देख के नाक सिकोड़ ली, अर्थात मेरी तरफ देख के मुंह फेर लिया कि नहीं ये तो इतना पापी है कि इस नरक में जाकर तो नरक भी पाप पूरा ही पूरा पाप ही हो जाएगा, नरक में जो कुछ है सब पापमय हो जाएगा, नरक पाप शुद्धि का है, ये नरक ही पापमय हो जाएगा, इतना बड़ा पापी है। तो ऐसा जो दैन्य भाव है गोस्वामी जी का है कि सुन अग नरक ही नाक सिकोड़ ली, कि मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप का संचय मैंने कर रखा है कि मुझे देख के नरक में भी मुंह फेर लिया है। लेकिन राम जी कैसे हैं कि समझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधी राम कीन नहीं सपने, कि मेरे जिन पापों के कारण मुझे इतना भय लग रहा है, मुझे इतना डर लगता है, सो सुधी राम कीन नहीं सपने, उन पापों पे तो राम जी कभी स्वप्न में भी नजर नहीं डालते, राम जी कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं कि हाँ इतने बड़ा पापी है, राम जी कभी नहीं सोचते ऐसा। और राम जी ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों? सुनी अब लोग की सुचित चक चाकी, भक्ति मोरी मती स्वामी सदा की। तो राम जी ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि राम जी इस बात को सुनते हैं, देखते हैं और अपने सुंदर नेत्रों से उल्टे मेरी सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि कहत न साई हो ही नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहने में चाहे बिगड़ जाए, मतलब मैं चाहे अपने को भगवान का चाहे कैसा भी सेवक कहलाता रहूं कि हाँ मैं तो राम जी का सेवक हूँ, भले कोई भी सेवा नहीं किया लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मुझसे कोई कुछ नहीं कहना, राम जी का सेवक हूँ, मैं राम जी की सेवा करता हूँ मैं, तो इस प्रकार से भले ही मैं कहता रहूँ, मैं कहलाता रहूँ, लेकिन हृदय में एक अच्छापन होना चाहिए, हृदय में भाव पवित्र होना चाहिए। और भाव वो कैसा है कि हृदय में मैं ये मानता हूँ कि मैं उनका सेवक बनने की योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतने पाप कर रखे हैं अपने जीवन में, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा दीन हूँ, मैं बिल्कुल निकृष्ट हूँ, बिल्कुल गिरा हुआ हूँ, इतना बड़ा दीन हूँ कि मैं राम जी की सेवा के योग्य स्वयं को नहीं मानता। संसार में भले ही कह रहा हूँ कि हाँ भाई मैं सेवक हूँ, और ये फिर संसार भले ही कह रहा है हाँ भैया बड़ा अच्छा राम जी का सेवक है, लेकिन मेरे अपने मन में ये भाव है कि मैं स्वयं को इस योग्य नहीं मानता।
ये जो भाव है, ये मन में जो एक अच्छापन है अर्थात मन का साफ होना है, ये राम जी जानते हैं, ये राम जी समझते हैं। और इसलिए राम जी स्वप्न में भी कभी मेरे दोषों पर ध्यान नहीं देते। और वीजित राम जानी जन जी की, और राम जी अपने भक्त के हृदय की इसी स्थिति को जानकर समझकर उस पर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरती सय बार ही की। राम जी अपने भक्तों की जो भूल चूक है, जो भी पाप हो गया, पुण्य हो गया, गलत हो गया, सही हो गया, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग से जीवन में कई बार अपराध हो जाते हैं, किसी की बुराई हो गई, किसी का किसी को कभी अपशब्द बोल दिया, किसी पर कभी कोई क्रोध कर दिया, हो जाता है, अक्सर हो जाता है, हो सकता है भी माया है, कहीं ना कहीं प्रभावित कर ही देती है, हो गया, चलिए कहीं कोई बात नहीं, लेकिन रहती न प्रभु चित चूक किए की। लेकिन यदि आप राम जी के हैं, यदि आप राम जी के सेवक हैं, तो विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपकी उस भूल चूक को, आपके उस पाप को राम जी कभी अपने हृदय में नहीं सोचते हैं कि हाँ इससे पाप हो गया, इससे भूल हो गई। लेकिन गलती से यदि आपने कुछ भी राम जी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर दिया, आपने किसी को राम नाम में लगा दिया, आपने किसी को राम जी की महिमा सुना दी, अरे यार क्या कर रहे हो भैया, राम राम हो गया, ये सब क्या कहाँ लगे हुए हो, राम राम करो, राम जी में लगो। क्यों? क्योंकि राम जी ही सर्वस्व हैं, राम जी ही सर्वशक्तिमान हैं। ये सब क्या तुम छोटे छोटे पाप पुण्य में लगे हुए हो, इसके साथ आपके उसके लिए, अगर राम जी के किसी भक्त के साथ ये कुछ भी कर दिया, किसी भक्त की मदद कर दी, किसी भक्त के कभी काम आ गए, किसी भक्त को कभी ज़रूरत है तो आपने उसकी सेवा कर दी, तो उससे तो बड़ा सत्कर्म कुछ है ही नहीं। फिर तो समझ लीजिए राम जी की भक्ति आपको प्रसाद की तरह मिल जाएगी, कुछ भी नहीं किया लेकिन आपको राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में, आपने कोई सत्कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उस सत्कर्म के लिए कि आपने राम जी के भक्त का हित कर दिया, आपने राम जी के भक्त का एक कार्य कर दिया, केवल उस एक कर्म के कारण आपको राम जी की भक्ति सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। राम जी कहाँ बैठे हैं? राम जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और बंदर, बंदर कहाँ है? बंदर डाली पे हैं। अब स्वामी या सेवक में ऐसा तो संबंध होता नहीं है, स्वामी जहाँ बैठा होता है सेवक उससे नीचे बैठता है। भाई भरत जी के साथ यही हुआ, जब राम जी वन को चले गए और भरत जी जब राम जी को मना के वापस ला रहे थे, राम जी नहीं आए, भरत जी ने नंदीग्राम में जो कुटिया बनाई, तो जमीन में दो हाथ गड्ढा खुदवाया और उसमें अपना जो है बिछौना लगवाया कि मैं यहाँ सोया करूँगा। जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो वहाँ भरत जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भूमि पर सोएंगे, वनवास में है, अब यदि मैं भी भूमि पर सोऊं तो मैं अपने स्वामी के बराबरी कैसे कर सकता हूं? मैं सेवक हूं, सेवक अपने स्वामी की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं भूमि से दो हाथ नीचे गड्ढा खोद के मैं भूमि में नीचे सोऊंगा। कितना अच्छा भाव था, और सेवक का यही भाव होना चाहिए। लेकिन राम जी तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और बंदर कहाँ है? बंदर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। भाई ये कैसे सेवक है जो स्वामी के सर पे बैठे हुए हैं? लेकिन राम जी, राम जी के लिए तो तुलसी कहते हैं कि तुलसी कहूँ ना राम से साहिब सील निधान, कि राम जी जैसे स्वामी कहीं नहीं है। उन्होंने ऐसे बंदरों को, जिनको ये भी नहीं पता कि स्वामी क्या होता है, सेवक क्या होता है, सर पे बैठे हुए हैं, ऐसे बंदरों को भी स्वीकार कर लिया और अपने समान बना लिया। और इसके पश्चात श्री गोस्वामी जी, श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि यही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुत ही सिर उनाई। किस प्रकार
मैंने अभी तक अपने जो भी गुण दोष कहे हैं उनको बखान कर और सब ही से बनाई और सबको बारम्बार शीश नवा कर मैं बनो रघुबर विमल जस सुनी कली कलुष नसाई। अब मैं श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन करता हूँ। यहाँ से गोस्वामी जी रामचरितमानस में प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबको शीश नवाकर और अपने गुण दोष कहकर। अब यहाँ से मैं राम जी के निर्मल यश का वर्णन करूँगा, जिसके सुनने से सुनी कली कलुष नसाई, जिसके सुनने से कलयुग के जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और हम लोग भी आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। गोस्वामी जी ने आगे श्री रामचरित को सुनने और गाने की महिमा कही है। नाम जप करते रहिए, राम राम करते रहिए। और जो भी चैनल पर नए हैं, मुझे पता है वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि यहाँ तक सुनना बहुत बड़ी बात है, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। लेकिन यदि पहुँच गए हैं राम जी की कृपा से, तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी रामचरितमानस का हम लोग इसी प्रकार से विस्तार से चिंतन करेंगे। और मेरा जितना भी प्रयास होगा आप लोगों के समक्ष, यही मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को भली भांति जितना हो सके उतने अच्छे ढंग से आप सभी के समक्ष रामचरितमानस प्रस्तुत करूँ कहूँ। और अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, राम राम करिए।